rolle. Kalau udah ini bari lah. गाइस ये है दार्जिलिंग हिल चाय बागान का वेजिटेबल जो अपने घर में उगाता है और आज मैं यहीं से मेरा व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि विंटर का काम चाय बागान में कैसा होता है। और ये है चाय बागान का हम लोगों का एरिया घर। और अब मैं यहीं से मेरा आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं सब दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ये हम लोगों का पुसुमबेंगी है। और यहाँ पे छोटा गांव है, हम लोग यहीं से चाय बागान जाते हैं। और यहाँ का जो भी दिखाई दे रहे वहाँ के ज़्यादातर लोग मतलब चाय बागान में काम करने के लिए जाता है। और ये घर हमारा ब्रदर का है मतलब, और उसका भी घर मेंटेनेंस कर रहा है। तो अभी यहाँ से चलते चाय बागान की ओर और रास्ता देख सकते हैं यहाँ का गाइस। तो आइए चलते चाय बागान की ओर और देखते हैं आज का व्लॉग्स जो विंटर में जो लड़की रोके हैं उसके लिए कैसा काम करना पड़ता है गाइस, वो सब मैं आज दिखाऊंगा सब कुछ। और तो गाइस ये है रास्ता नीचे जाने के लिए, ऐसा रास्ते पे जाना पड़ता है ज्यादातर। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। बाफरे तो गाइस ये है रास्ता वर्कर लोगों को घर के आने से आने का रास्ता। और यहीं से जाते हैं वर्कर लोग गार्डन। और मैंने दिखा दिया लेबर क्वार्टर भी। तो विंटर के टाइम में ऐसा ही होता है, घर में जाके थोड़ा बहुत वो देखने के लिए आए थे और देख लिया। और ये है ये गार्डन, यहाँ से शुरू होता है। तो रास्ता तो देख लिया, अभी चलते नीचे की ओर। तो विंटर में सबसे पहले तो गाछ को बनाना और इसको प्रूनिंग DSLP बोलता है, ये सब काम करना पड़ता है, सब लड़की लोग ही करता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क भी होता है, कहीं पर कट भी जाता है हाथ वगैरह भी। और ये काम करना पड़ता है विंटर में सब। लिए वहाँ लोग क्या नहीं करते हैं, वो लोग 8 घंटे तक काम करते हैं। अभी भी चाय बागान में 250 रुपये पर डे का हाजिरी मिलते हैं, फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि गाइस आपको हम बता नहीं सकते। जब आएंगे तो थोड़ा देख लीजिए, 8 घंटा काम करके 250 में पर डे कितना मुश्किल होता है। फिर भी ये सब करना पड़ता है बच्चे के लिए। और चाय बागान में तो अभी बहुत सारे परेशान हैं, एजुकेशन सिस्टम कहाँ पहुँच गया है, अभी कितना ज़्यादा खर्च मतलब है एजुकेशन में। और अभी महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी काम तो करना पड़ता है। चाय बागान कई सारे चाय बागान तो बंद है और उसके उस वो गार्डन में कितना प्रॉब्लम होगा वो सोच भी नहीं सकते हम। और ये सब विंटर का काम होता है और ज़्यादातर तो लड़की लोग ही करते हैं। उसमें कई होता है, फैसिलिटी तो मिलता है, फिर भी कई बार हाथ कट जाता है, कुछ हो जाता है। और जितना पैसा कमाते हैं वो अपने मतलब बीमार इसमें ही खर्च हो जाता है, क्योंकि फिजिकली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है चाहे वो काम इवन इन विंटर के टाइम में भी ऐसा सब करना पड़ता है।
गाइस ये जो लैंड का पीएच लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए ये डाला जाता है, लाइमस्टोन वगैरह, यही है चून वगैरह बोलता है इसको। और ये डालने से फर्टिलिटी जो इंक्रीज होता है, मगर इसको जो लड़की लोग होता है वो दो बैग मतलब 100 kg पर डे इसको लेके यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है 50-50 करके दो बार जैसा। तो लड़की लोग के लिए काम करना इजी नहीं है, और चाय बगान में स्पेशली इतना ज़्यादा मुश्किल होता है काम करना कि ये पैसा कमाना चाय बगान में एकदम मुश्किल है। और इसीलिए चाय बगान में मतलब टाइम में खर्चा भी नहीं देता है, ज़्यादातर लोग अभी पलायन हो चुका है यहाँ से, दूसरे जगह काम करने के लिए जाता है। इसीलिए काम बहुत ज़्यादा है, पैसा थोड़ा कम है, और वो भी टाइम में नहीं मिलता है। अभी बच्चे का खर्चा, घर को मेंटेनेंस, मंथली 6,000 में इतना ज़्यादा काम करना एकदम मुश्किल है गाइस। तो ये है एक्चुअली लाइफ। आप लोगों को लगता होगा कि जीवन में जब भी कंप्लेन करते हैं कि हमको पैसा इतना है ऐसा है, मगर आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहता है तो चाय बगान में ज़रूर आए, चाय बगान का फैमिली के साथ एक बार बैठ के देख लीजिए। वो लोग 6,000 में अपने बच्चे का खर्चा और अपना फैमिली मेंटेनेंस कैसे करता है, ये सब आप चाय बगान में सीख सकते हैं। और दिखाते हैं आप कैसे यहाँ से वो ये लेके जाते हैं और काम करते हैं अभी भी। तो गाइस ये है रास्ता, और यहाँ से ही जाना पड़ता है वर्कर लोग को भारी लेके। और ऐसा देख सकते गाइस इतने में वो सब लेके और जाना पड़ता है फील्ड, ऐसा मुश्किल रास्ता है देख सकते गाइस। तुमको तो वैसे ही पैदल चलने में भी प्रॉब्लम है, और यहाँ से ले जाता है और उसके बाद ये फील्ड में डालना पड़ता है। और ये है विंटर का काम, तो ये देख सकते हैं अभी जो डाला है वर्कर लोग ने, ये सब है यहाँ से ही डालना पड़ता है। तो ये विंटर वॉक ये सब लोगों का अभी जो हो रहा है देख सकते हैं। और ऐसे करके यही रास्ता पे ही जाना पड़ता है वारी लेके, और यहाँ से आएगा देख सकते हैं गाइस रास्ता, और इसके बाद फील्ड में जाना पड़ता है। तभी दिखाने जा रहे कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, स्पेशली लड़की लोगों के लिए काम मुश्किल होता है विंटर में। तभी मैं फील्ड में ही हूँ ये दिखाने के लिए कि कैसे काम करना पड़ता है। काम तो काम ही होता है जैसे भी, मगर लड़की के लिए इसे रास्ते में जाना तो रिस्क तो रहता ही है, फिर भी काम करना ही पड़ता है। और ये देख सकते हैं सबके लाइफ इजी नहीं होता है, इसीलिए गाइस बाटो चाहिँ बडो हो तपाईको है गरम छ कलम काट्ने अझै छ नि 13 मा छ कलम काट्दै छ रास्ता देख सकते हैं जैसे में जाना पड़ता है इतना दूर।
किलोमीटर तक ऐसे जाना है, उसके बाद मतलब काम करना है वहां पे। उता तेर्सोमा हान्दैछ दुध त कहाँ जानुभएको? कहाँ हान्दैछ? ए तो रास्ता तो एकदम खराब है गाइस, लेके तो जाना ही है, इतना ज्यादा काम। और अभी हम चलते नीचे की ओर, देखते फैक्ट्री भी, आज से नीचे फैक्ट्री भी दिखाऊंगा। विंटर में फैक्ट्री तो एकदम काम नहीं होता है, फिर भी एक दो लड़के लोग के नीचे काम कर रहे हैं, तो उसके भी दिखाएंगे। आइए चलते नीचे। हजुर, तो ये दिख रहा है गुदामदुरा फैक्ट्री के नजदीक वाला गांव, इससे आगे वीडियो में भी मैंने दिखाया था। और यहाँ पे भी वर्कर लोग अभी काम कर रहा है। और अभी देखा थे मरद लोग, मरद ये लोगों का विंटर का काम ऐसे करते हैं गाइस। ये है मैन, ये लोग अभी फैक्ट्री में था, तो विंटर में भी फैक्ट्री में काम नहीं होता है। अभी ये लोगों को भी फील्ड में घास को साफ करने के लिए। ये है विंटर वॉक, ऐसे होता है फैक्ट्री में विंटर वॉक। तो गाइस विंटर वॉक फैक्ट्री में ऐसे है अभी। यहाँ पे फ्लावर, प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, तो इसीलिए विंटर में बस ऐसा ही होता है काम, सन्नाटा है, कोई भी काम नहीं है। और तो ये विंटर एकदम खाली खाली, और विंटर में भी बस ऐसा ही होता है, खाली खाली, सब कुछ खाली। यहाँ पे हम लोगों का इंचार्ज अजय बाबू, ये इंचार्ज है। और अजय सर क्या चल रहा है अभी गार्डन में, मतलब विंटर वॉक हो रहा है? अभी तो ठीक ही हो रहा है ना, अभी तो विंटर वॉक है, थोड़ा गार्डनिंग हो रहा है, थोड़ा गार्डनिंग और गार्डनिंग कर रहा है, और कल्टीवेशन का काम है, थोड़ा प्रूनिंग कर रहा है। तो ये है, और अब अभी हो रहा है। आपका काम क्या है मतलब अभी? अभी तो हमारा ऑफिस में थोड़ा काम है, ऑफिस में काम करके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बैठूंगा,
बात नहीं, हमारा छुट्टी हो जाएगा, अभी विंटर टाइम है ना इसीलिए। और यहाँ पे है हमारा चौकीदार प्रणीत बस्नेत। और प्रणीत, आपका क्या है, विंटर में कैसा होता है काम? विंटर में तो जो सीजन होता है वो भी बंद हो जाता है, तो थोड़ा फालतू समय मिलता है तो उसमें चौकीदारी या किसी भी काम में लगा जाता है यहाँ पे। तो गार्डन का काम कैसा लगता है? गार्डन का जो बाहर का काम है वो हमें नहीं आता, जो अंदर का काम है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो खाली करना, वो पार्किंग हुआ, कुछ भी हो, वो जितने भी है टीम मेकर उसको नहीं आता। और गार्डन में कैसा लगता है, मतलब अभी जो पेमेंट है वो वगैरह कुछ अच्छा है कि नहीं है? थोड़ा लेट हो रहा है, फिर भी घर चलाने में कैसा मुश्किल होता है? घर चलाने में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5,000 में हम सब कुछ देखते हैं, इसमें घर से लेकर जितने भी है साथी संगी जो भी है, छठ छिमेकी से लेकर हर कुछ, हर चीज संभालना पड़ता है 5,000 में। इसमें थोड़ा कम ही है, ये जो पेमेंट है यहाँ का वो थोड़ा बहुत कम ही है। कम ही है तो कैसा लगता है गार्डन में काम करना, छोड़ने का मन करता है कि नहीं? छोड़ने का भी मन तो करता है, फिर भी चल तो रहा है। छोड़ के भी क्या करे है ना, छोड़ के भी है बहुत से ऑप्शन, फिर भी मेरा माँ से लेकर जो इसमें संबंधित है उसके उसमें तो हम काम करते हैं, मतलब जितना भी प्यार किया इस कमान को, बगान को, मेरे माँ और जो भी है आज तक, उससे फॉलो मैं कर रहा हूँ अभी तो ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ब्लॉग्स देखते रहे हमसे ब्लॉग्स। और विंटर वॉक कैसा ही होता है गार्डन में, अभी ऑफिस में भी खाली खाली है, सब कुछ खाली खाली है, तो बनी रहे मेरे ब्लॉग्स पे और देखती रहे और ऐसे कई सारे वीडियो और बनाती रहूँगा, तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग्स पे।